हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, फाइनली Realme 7 प्रो डिवाइस में Realme UI 2.0 बेस एक न्यू लेटेस्ट बीटा अपडेट ऑफिशियली दोस्तों रोल आउट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी न्यू अपडेट का एक छोटा सा क्विक रिव्यू करेंगे, जहां पर भैया मैं आपको बताऊंगा इस न्यू अपडेट के साथ क्या कुछ वर्जन और क्या कुछ साइज मिल जाता है और कौन कौन से चेंजेस एंड फीचर्स का सपोर्ट ऑफिशियली मिल चुका है। तो दोस्तों, Realme 7 प्रो डिवाइस Realme UI 2.0 के न्यू लेटेस्ट बीटा अपडेट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बस आप लोग ना इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल लिंक है वो मिल जाएगा, जाओ और ज्वाइन कर लो। Realme के सभी लेटेस्ट न्यू अपडेट्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों मैं आपको यहां पर भी प्रोवाइड करते रहूंगा। और दोस्तों, Realme 7 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 बेस लास्ट बीटा अपडेट आई थिंक दोस्तों मार्च 2021 में मिला है और उसके बाद दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट रोल आउट नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों फाइनली आज यहां पर जो UI 2.0 का न्यू बीटा अपडेट है वो दोस्तों ऑफिशियली रोल आउट कर दिया है इन 7 प्रो डिवाइस में, जहां पर दोस्तों इस न्यू अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन C.19 का मिल जाता है और इस अपडेट का दोस्तों एक्चुअल OTA साइज है 765 MB। तो गाइस, ये वाले वर्जन और साइज का जो न्यू बीटा अपडेट है वो दोस्तों सभी बीटा यूजर्स को ना ऑफिशियली रोल आउट चालू हो चुका है। तो दोस्तों जाओ सीधा आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में, देन अगर आपको ये वाला अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है ना तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और बात करें दोस्तों इस अपडेट के फुल अपडेट लुक के बारे में, तो बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम में फिक्स अमाउंट ऑन इश्यूज एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, जो कि दोस्तों हर अपडेट के अपडेट लॉग में मेंशन होता है। आई मीन दोस्तों इसमें कोई खास नई बात नहीं है, बट फिर भी बता दूं आपके डिवाइस में जो भी थोड़ा बहुत इशू था ना वो दोस्तों यहां पर सॉल्व हो चुका है और साथ में आपके डिवाइस की जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो दोस्तों इंप्रूव हो चुकी है। और बाद में दोस्तों कैमरा सेक्शन में इमेज क्वालिटी ऑप्टिमाइज हो चुका है और साथ में जो कैमरा ऑटोमेटिक क्लोजिंग प्रॉब्लम है और दोस्तों जो फ्लैश लाइट इफेक्ट फेल्योर इश्यू है वो दोस्तों फिक्स कर दिया है। एंड कॉल वाली सेक्शन में दोस्तों फाइनली रिकॉर्डिंग फेल्योर इश्यू सॉल्व कर दिया है। एंड लास्ट में दोस्तों डिवाइस के सेटिंग्स में ना जो स्क्रीन ऑफ फ्लिकरिंग का इशू था और दोस्तों जो नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिला था वो दोस्तों इस अपडेट के साथ प्रॉपरली सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों ये सभी टाइप के चेंजेस एंड फीचर्स का सपोर्ट ना इस न्यू अपडेट के साथ ऑफिशियली मिल चुका है। देन अगर दोस्तों देखा जाए तो ये वाला अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस का जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।